हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी थ्री। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज के हम जो वीडियो देखने जाने वाले हैं, द मोस्ट फियर्ड ट्राइब। और नहीं समझ आ रही क्या है वीडियो में, क्या होगा, अलग ही होगी, कुछ डिफरेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ऐसी ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों में इंटरेस्ट है। ये ब्रीड पिछले 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इतने सालों में ये 1% नहीं बदली। इस ब्रीड को हिंद भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तेरा प्यार 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 हुक्का मार। ये वही लोग है जिनसे मिलना तो कोई नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। ये वही लोग है जो इतने घटिया जोक मारते हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत से विश्वास उठ जाए लेकिन तब भी दांत फाड़ के हंसना पड़ता है चाहे अंदर से कितनी ही चीखें निकल रही हो। ये वही लोग हैं जो अपना लेफ्ट वाला पिछवाड़ा उठा के प्लास्टिक फटने जैसी बात मारते हैं और फिर सब एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर तुम गलती से हंस दिए, ओ मजे ही आ जाते हैं। खैर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लपेटेंगे, तो इसीलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब इस बुरे अनुभव की शुरुआत होती है जब रिश्तेदार तुम्हारे माँ बाप के साथ बैठे होते हैं और तुम मस्त अपनी ही गुफा में चिल कर रहे हो। इन पंछियों को देख कर हो तेरा 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 सुड़सुड़ू। एकदम से आवाज आती है, कमलेश बेटा कमलेश। ये सुनते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये तो स्वयं बाबूजी की आवाज है। तुम उठ के उस जगह जाते हो जहाँ से वो आवाज आ रही है। हाँ जी पापा। बेटा ये अंकल तुम्हें याद है? याद करो, इनसे तुम कभी नहीं मिले हो। तुम्हारी नजर जाती है उन अंकल पे और वो तुम्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे 21वीं सदी में डायनासोर का बच्चा देख लिया हो। और फिर उनके मुंह से ये 4 जादुई शब्द निकलते हैं। कितना बड़ा हो गया? अरे है मेरा क्या कितना किसके लिए बड़ा हो रहा है ये जान के आप क्या लो? पर्सनल होने की बहुत ही नाकाम कोशिश है ये। अरे मैं कोई पौधा हूँ जिसे 10 साल बाद देख के कह रहे हो कितना बड़ा हो गया है? अब तुम्हारे पिताश्री तुमसे कहते हैं, बेटा अंकल के पैर छुओ। देखो यार, मुझे पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं अंकल के पैरों की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरी उंगलियाँ 1 सेंटीमीटर दूर होंगी उनके पैरों से। अचानक से मेरे दोनों हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे, अरे बस बस बेटा, नहीं नहीं पैर मत छुओ, इसकी क्या जरूरत है? मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये सुनकर मैं अपने पिताश्री को देखता हूँ। बेटा पैर छुओ। नहीं नहीं बेटा पैर मत छुओ। छुओ मत छुओ। छुओ मत छुओ। दोनों के दोनों क्या करवाना चाह रहे हो मुझसे? उस वक्त मन करता है धरती में घुल के अपनी जान दे देता हूँ, कम से कम ये तो नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अब शुरू होता है अंकल का सवाल जवाब। क्यों एनी? कौन सी क्लास में हो? लाइफ में क्या चल रहा है? बड़े होके क्या बनोगे? ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? कभी ऑनलाइन होटल बुक किया है? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या फिर कोई फीमेल फ्रेंड? कुछ भी है जो फीमेल से मिलता जुलता हो? जैसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सवाल पूछा जाए तो समझ जाओ तुम्हारी जान को खतरा है और वहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन उससे पहले अगर तुमने उन्हें ये साबित कर दिया कि तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी है तो तुमसे बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछेंगे। 10वीं क्लास के बच्चे से पूछा जाएगा, बेटा 7 की टेबल आती है तुम्हें? अगर तुम ना बोलोगे तो तुम्हारी बेइज्जती है और अगर हाँ बोलोगे तब भी तुम्हारी बेइज्जती है। साला 10वीं क्लास में आके 7 की टेबल पे चढ़ रहा है। अब इस वक्त तुम्हारी हार हो चुकी है और इसे मानने में भलाई है। उस वक्त तुम जो भी जवाब दोगे उनकी आंखों में आंखें डाल कर देना वरना उस दुष्ट प्राणी की कहानियां शुरू हो जाएंगी। बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो पेड़ के नीचे धार मारने जाते थे और धार मारते मारते पूरी 7 की टेबल बोलते थे। 7 1 7। आप भी बोलिए भाई साहब। 7 1 7 7 2 14। कम ऑन एवरीबॉडी। 7 3 21 7 4 28। वाह 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 भाई साहब, क्या महफिल जमी है। अब चलते हैं 10 साल आगे। अब तुम जॉब कर रहे हो, रिश्तेदार आते हैं और तुमसे ये सवाल पूछते हैं, बेटा ये जो जॉब है तुम्हारी इसके बारे में बताना थोड़ा। तुम प्रॉपर फील्ड में आके अपनी जॉब के बारे में बताते हो और वो बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन देते जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा है लेकिन घंटा कुछ खोपड़ी में घुस रहा होता है। फिर भी अंत में चिल्लाएंगे, वाह वाह क्या बात है बेटा, क्या जॉब है तुम्हारी। वैसे 10 साल पहले याद है मैंने 7 की टेबल सुनाई थी, याद है कि भूल गए? 7 1 7
7 2 क्या बेटा सुनाई नहीं दे रहा है? 7 1 7 7 2 14 बाबा क्या बात है बेटा? 7 3 21 7 4 28 अब रिश्तेदारों को बच्चों का टैलेंट देखने में पता नहीं क्या मजा आता है। जब भी कोई आए चलो बेटा नाच के दिखाओ। साले कोठे पे आए हो तुम लोग जो तुम्हें नाच के दिखाओ। नहीं लैप डांस ले लो ना 50 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। उन्हें बस तुम्हारा कार्टून खींचना होता है। शर्म तो कतई बेच खाई होती है इन लोगों ने। अगर तुम्हें गाना गाना आता है तो नाच के दिखाओ, अगर तुम्हें नाचना आता है तो गा के दिखाओ, और अगर दोनों ही नहीं आते तो नाचते हुए गाओ बहन। लेकिन बकचोदी यहाँ खत्म नहीं होती। बुरे से बुरे अजीब से गरीब टैलेंट देखने लोगों को। तुम कराटे सीखते हो? येलो तकिया शुरू करो। अपने पैर हेलीकॉप्टर की तरह घुमा सकते हो? घुमाओ घुमाओ। तुम भगते बहुत तेज हो। बेटे 10 तक गिन रहा हूँ, गली का एक चक्कर लगा के आओ। जाओ जाओ गो बेबी गो। और अगर कुछ नहीं आता तो अपने हाथ के बल चल के दिखाओ। अरे क्यों चलूं हाथ के बल, 1920 चल रही है और पीछे गाना और लगा देंगे। तू टिकटॉक चलती है, मतलब कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अब एक रिश्तेदार अपने बच्चे की जितनी हवाबाजी करे उनका बच्चा उतना ही फुद्दू है। कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उसे, लेकिन हवाबाजी कुछ इस लेवल की होती है। और भाई साहब शिरडी चलना है अगले हफ्ते? अब भाई साहब सबसे कांटेक्ट करना ही मुश्किल है। तो हाइक पे वोटिंग करवा लेते हैं ना, पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ये तो काफी गजब चीज है। अच्छा गजब से याद आया, आपका बेटा नहीं दिख रहा? अजी वो तो चांद पे गया। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? नहीं नहीं जी, एस्ट्रोनॉट बन चुका है ना वो, तो भेजा है नासा वालों ने चांद पे। अच्छा अच्छा। पापा उन नुक्कड़ नाटक वालों ने फिर निकाल दिया। पापा नवाज बनना है, कुछ करो ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल वापस जा चांद पे। अब हम इतनी बकचोदी सहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम चूतिए नहीं है। हमें पता है हैप्पी एंडिंग जरूर मिलेगी। अंत में इन जुल्मी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पैसे जरूर देगा। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है। वो घर से बाहर निकलते हैं, अंकल का हाथ उनकी पीछे वाली जेब में जाता है और वो अपना 6 साल पुराना बटुआ निकालते हैं। उसमें से 500 की हरी पत्ती अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले। तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है। अचानक तुम्हारे बाऊजी बीच में आ जाते हैं। अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं बच्चा है रखने दो। नहीं 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 ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं भाई साहब मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा। अब आप इतना कह ही रहे हैं तो इसे मैं रख लेता हूँ। आखिर क्यों अपने ही अपनों को धोखा देते हैं? इसे कहते हैं खड़े लंड पे धोखा। अपनी बेइज्जती कराई, ताने भी सहे और अनजान लोगों के सामने गांड भी मटकाई। पूरी कॉर्पोरेट जॉब वाली फीलिंग आती है। मेहनत हम करें, पैसे कोई और ले जाए। साला मजाक बना दिया जिंदगी का। इन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमने तुमसे कभी पूछा साल का कितना कमाते हो, दिवाली कहाँ मनाते हो? क्या हमने तुमसे कभी बोला चलो नगीना डांस करके दिखाओ, चलो हाथ का इस्तेमाल करके गीदड़ की तरह भग के दिखाओ? नहीं ना, तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों करते हो हमारे पिछवाड़े में उंगल? अपने काम से काम रखो। लेकिन अगर ऐसे होने लग गया तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी और हम लोग कम थोड़ी ना, हमें शांति नहीं 24 घंटे बकचोदी चाहिए, वरना क्यों देख रहे हो ये वीडियो? तो इसलिए मानो ना मानो इनका जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आखिर अपने पियक्कड़ मामा की कहानी सुनाने में जो मजे हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो यार इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 50 करोड़ लाइक्स के लिए। मुझे पता है यार कोई बड़ी बात नहीं है, कर दो यार जल्दी। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ हाथ के बल चलो या फिर सर के बल हेलीकॉप्टर घुमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, घर में मेहमान आए हैं और मुझे 7 की टेबल याद करनी है। बाय। अंकल को अपनी पीठ की हड्डी दिखाइयो। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ सास भी कभी बहू थी। ये रिश्तेदारों की स्टोरी ये तो सच में होता है। जब कोई आता है रिश्तेदार आता है ये हर घर में होता है। पैसे
पैसे देते हैं और बीच में मम्मी या पापा आ जाते हैं, नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बहन जी इसकी क्या जरूरत है। अरे नहीं 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 टॉपिक, अरे नहीं 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 अच्छा बच्चा बेचारा इधर देखे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा तुम इतना कह ही रहे हो, लाओ 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 मैं रख लूंगी, ये तो खर्च कर देगा ना, मैं रख लूंगी बेटा। और ये फैक्ट है कि हाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, बेटा कैसे हो क्या करते हो। अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए। तो बहुत बड़े हो भाई, तुम भी तो बड़े हो गए हो, तुम भी तो बुड्ढे हो गए हो। बस तो बड़े तो होंगे ही। क्या करते हो, जॉब करते हो, कहाँ करते हो? अच्छा सैलरी सैलरी बढ़ाते हैं बच्चे हो गए तो क्या बेटा क्या कर लेते हो, डांस करते हो? अच्छा गाना गा के सुनाओ। अच्छा गाना आता है? अच्छा गाना तो आता है, चलो डांस करके दिखाओ। ये होता है, वीडियो बनी थी कैरी मिनाटी की, मुझे लगा कुछ अलग होगा बट ये पूरा सच में ही अलग था, ये रिश्तेदारों के ऊपर था। सो ऑल ओवर वीडियो अच्छी थी, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।